अच्छा ये इनके बेबी हैं? हाँ ये इनके बेबी हैं जी। इसकी तबीयत खराब थी ना थोड़ी सी कल। कौन से वाले की? ये वाला जो। अच्छा अब ठीक है? अब ये जा रहा ना अपने मतलब रूम में जाके बैठ गया था। सही है। अभी भी थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब कि इसको कुछ है, लेकिन अभी तो कल से बहुत ज्यादा बेहतर है ये बिल्कुल पप्पी लग रहे हैं बच्चे इनके। हाँ मौसम की वजह से ना वो एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, ठंड लग रही है उनको। अभी इनको हम बंद करने लगे हैं जी। घर में तो इनको बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, बड़े भी बड़ा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है। सही है। हम लोग इनको सेल करते तो नहीं, अगर कोई शौकीन हो तो वो हम दे भी देते हैं। तो कितने का आप देते हैं इसको? तकरीबन 15 से 20 का। इसको खिलाते क्या है? दूध पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। ये जो छोटा बच्चा इसको क्या खिलाते हैं? एक मर्तबा ना हम इसको मतलब इसके बच्चों को भी हल्का सा वो गंधक होती है दूध के बीच में थोड़ी सी मिक्स करते हैं। वो किस चीज के लिए आप खिलाते हैं उसको? ताकि इनको हार्श ना पड़े। अच्छा वो इसलिए वो डालते हैं। तो फिर एक माह के बाद हम डॉक्टर को भी इनको चेक करवाते हैं ताकि इनको कोई मसला तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं लगी। ये नस्ल इस तरह की है या ये कमजोर है? नस्ल जो है ना ये होती इस तरह है, सबसे 0 पॉइंट है ये। ये क्या कर रहे हैं जी? ये जनाब खेल रहे हैं अभी, ये इनको खोला है ना। इसको भी नीचे रखें, दोनों को इकट्ठा रखें इनको। ये अभी प्यारे लग रहे हैं ये। हाँ देखा, ये इनकी बड़ी परहेज करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा एहतियात है इनकी। सही है, सर्दी की वजह से यात्रा ना करें तो ठंड की वजह से या जनाब ये बीमार हो जाते हैं, कोई ना कुछ कुछ ना कुछ इनको हो जाता है, सर्दी लग सकती है। तो फिर हम इनको ना गुड़ वगैरह रखा होता है, टैबलेट भी रखी होती है, थोड़ी सी भी इसकी तबीयत खराब होती है तो एकदम हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो जब ये इसकी कल तबीयत खराब थी ना तो डॉक्टर के पास लेके गए हैं। तो ये इनका बाप है इन दोनों बच्चों का, ये इसकी बेगम है। अच्छा ये पूरी फैमिली है इसकी? पूरी फैमिली है। तो ये भी बड़ा प्यारा सा इनका। दूर से देखें तो इनका मुंह तो नजर ही नहीं ना आता, ये किस से इतने ज्यादा बाल हैं इनके, है ना। हाँ, ये क्या कर रहा है छोटा बेबी? पप्पी जो खेल रहा है, ये कोई चीज है उसके साथ खेल रहा है। इसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। ये खेल रहा है, ये काटती कूटती नहीं है, बड़ी प्यार करती है ये। सही है, बहुत ज्यादा इसका प्यार है जनाब इसको। ये जो है ना ये रूसी जो बच्चे होते हैं वैसे कुत्ते जो होते हैं ये भौंकते ही हैं, काटते कूटते नहीं हैं, शोर करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर कोई चीज़ नज़र आ जाए ना इनको रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये शोर करना शुरू कर देते हैं ताकि पता चल जाए कोई चीज़ है। एक दिन इसने ना मतलब देखा इधर दरख्त के ऊपर ना सांप चढ़ रहा था। अच्छा। तो इतना ज़्यादा शोर किया तो पूरा मोहल्ला मतलब के उठ गया। वाह क्या बात। तो जनाब फिर वो कोई औरत है सामने रहती है, वो उसने कैमरे में देखा कि इधर ना दरख्त पे सांप चढ़ा हुआ था, ये इसलिए शोर कर रही है। पक्खे वाला सांप था वो, फिर भाग गया हमारे आते तक। उसने फोन किया ना हमें। अच्छा। कि वो जी आपके कुत्तों के पास ना कोई सांप वगैरह है पौधे के करीब। तो फिर जब तक हम आते तो जनाब ये भाग गया, सांप सूप भाग गया था। ये 2 माह का है देख रहे ना ये? सही है, पता चल रहा है 2 माह? हाँ जी देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ।
बड़ी प्यारी चीज है। ये इनकी माँ है ना जी। अच्छा, इसने दो ही बच्चे दिए थे कि ज्यादा थे? दो ही, दो ही। ये दो ही देते हैं? ये मेरा हर पहली मर्तबा, पहली मर्तबा आपने ब्रीडिंग कराई है इसकी? नहीं, हाँ, ये तीन बच्चे देती हैं। अच्छा। तो पहली मर्तबा इनकी ब्रीडिंग हुई है। तो ये इनका बाप है ना, ये वो हमारे पास नहीं था तो फिर लेके आए, हम खरीद के लेके आए। ये 75,000 रुपया मांगता था उसका। सही है। तो फिर हमने मतलब तलक थोड़े से थे तो उसने हमें कुछ पैसे कम कर दिए। अब ठंड हो रही है तो हमने इनको बस बंद कर देना अभी थोड़ी देर के बाद। खाना खिलाएंगे इनको, सर्दी बहुत ज्यादा है। फिर इनकी प्यार बड़ी करनी पड़ती है।